गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवा महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि मैया बीड़ा बादनी अयो हंस सजाए आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बता। राम नाम लेते रहो धरे रहो मन धीर कारज वे ही सारे हैं कृपा सिंधु रघुवीर। आदरणे मेरे भवत में मेरे मेरे माता बहनों मेरी संत समाज श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए आगे कथा को प्रसंग को बढ़ाते हुए आज पांचवा दिवस है। गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में श्री सुखदेव जी राजा परिषद को कथा श्रवण करा रहे हैं जिसमें श्री रामचरितमानस की कथा श्रीमद् भागवत में आती है उस संक्षेप में आती है क्योंकि रामायण भी बहुत बड़ा इतिहास है। बारीकी से कहते हैं तो इसमें भी बहुत टाइम लगता है। संक्षेप में ही आपको श्रवण कराया है। यह तो आप सभी बुद्धिमान हैं तेजमान हैं। आइए दो मिनट हरि कीर्तन बोलेंगे। माया मोह से परे होकर के भगवान के चरणों में अपने मन और जिह्वा को पवित्र करते हुए के गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे I'm gonna make you mine।
भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, संत समाज की जय हो, सती मैया की जय हो, परिषद महाराज की जय हो, सभी भागवत श्रोताओं की जय हो, सभी माताओं की जय हो, जय जय श्री राधे। मेरी माता इस धरती पर त्रेता में रावण के अत्याचारों से पाप का बोझ अधिक बढ़ गया और धर्म की हानि होने लगी। इसी वास्ते भगवान विष्णु जी ने अपने भक्तों की रक्षा करते हुए धरती का भार को उतारते हुए महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्या में चारों कलाओं से आए और अपने पिता के वचनों को मानते हुए अपने धर्म को निभाते हुए कि इस राम अवतार में हे राजन परिषद मर्यादा को निभाते हुए भगवान हर जगह उन्होंने मर्यादा सिखलाई कि पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, पिता का क्या होता है, माता का क्या होता है, बहनों का क्या होता है, बेटों का कर्तव्य क्या होता है। वो पग पग पर उन्होंने राम मर्यादा सबको सिखाते रहे और मर्यादा में रह करके उन्होंने अपने पिता के वचनों को माना, जिसमें 12 वर्ष उन्होंने चित्रकूट में व्यतीत किया, अन्य 2 वर्षों में दुष्टों का संहार किया। 14 वर्ष के बाद अयोध्या में पुनः आकर के राज को संभाला और ये चारों ही भाई अपने अपने धर्म पर रह करके उन्होंने उस धर्म को निभाया। तो ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाई, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित कि जब अयोध्या के राजा हो गए तो भगवान ने राजा होकर के अपने गुप्तचरों को भेजा है लोगों का मन जानने के लिए कि हमारे अयोध्या की जनता प्रजा क्या कहती है, और गुप्त पते लगा करके और जो भी बात आप लाए उसे हमें बताएं। हे राजन परीक्षित, यहाँ पर भगवान श्री राम भी अपना भेष बदल करके रात्रि के समय वो भी अपने प्रजा का मन जानने के लिए जाते लेकिन पहचान में नहीं आते। तो हे राजन परीक्षित ध्यान दीजिए, बड़ा खुशहाल राम राज्य था और राम राज्य उसी को कहा जाता है जहां प्रजा हर प्रकार से खुशी हो, कहीं दुख किसी प्रकार का न हो। सब प्रेम से प्रजा रहे और राम की गुणगार है, चौकिन पे चौकीदार है और संतरी गश्ती लगा रहे, जगह जगह पहरा लगा हुआ है, हर जगह भगवान के जो रक्षक हैं, मंत्रीगण हैं, सब चारों तरफ वह निगाह रखते हैं और रात्रि के समय गुप्तचर पहरा लगाते हैं। तो हे राजन परीक्षित, कुछ ही समय के पश्चात एक गुप्तचर पहरा लगा रहा था, रात्रि का समय था, तो
उसने आंखों से देखा और कानों से सुना कि एक धोबी जाति से और उसकी पत्नी को देर रात ही हो जाती है घर पे लौटने पर। उसका पति जो धोबी था वो सोया नहीं था। उसने अपनी पत्नी को जैसे ही घर में प्रवेश देखा झट से नाराज होकर के खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ को से बाल ले आया और ये दृश्य धोबी का जो दृश्य है वो देख रहा है गुप्तचर छुप करके। वो धोबी कहता है अरे उल्टा पापनी दुपचारनी ये तेरा कोई आने का समय है? कहां थी तू? बोले हे स्वामी मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भगवान राम के लिए मैं नृत्य दिखा करके उनको प्रसन्न कर रही थी और वो धोबी नृत्य कला में बड़ी ही प्रसिद्ध थी, बड़ी निपुण थी। जैसे ही राम का नाम आया तो एकदम वह धोबी और नाराज हुआ। उस राम के लिए तो नृत्य दिखा करके प्रसन्न करने के लिए गई, मैं राम नहीं हूं। धोबी कहे निज नार से तन देर इतनी कहां करी, दो को झगड़ो लख रहे हो छुप के खड़ो एक संतरी। आज वो धोबी कहता है पत्नी को घर से बाहर निकाल करके पकड़ के हाथ नारी को घर में सी रहू है रे निकाल, पकड़ के हाथ नारी को घर में से रहू घर में नहीं रखूंगा, तू पापनी। अरे राम सो ना अज्ञानी ना ही करूरी इतनो प्यार, राम सो ना अज्ञानी ना ही करूरी इतनो प्यार। उस राम के लिए तू प्रसन्न करने के लिए गई पता है, अरे चढ़ाई कर लंका पे सीता तू लायो रे निकार, चढ़ाई कर लंका पे सीता को लायो रे निकार, बात सकंदर तू सीता लिए अपना बार बार, सकंदर को सीता उस धोबी ने अपनी नारी को घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया और कहा कि जा मैं राम नहीं हूं। राम ने तो अपनी भार्या सीता के पीछे लंकापति रावण का विनाश किया और फिर से ऐसे निकाल के लाया अपने घर रख लिया, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज वह बिचारी गलियों में भटक रही है, राम राम पुकारती है। वह संतरी उसी वक्त रात्रि के समय हे राजन परीक्षित है भगवान राम के पास जाकर के पहुंचे, राम को प्रणाम किया। राम जी की लीला राम ही जान जाए, क्योंकि भगवान को जो खेल आगे खेलना है हे राजन परीक्षित है तो उसकी भूमिका को किस तरह बनाया। सुंदर एक अनोखित लीला जो भगवान खेलने जा रहे हैं वो आज अपने संतरी से ही गुप्तचर से कहते हैं कि भैया क्या बात है, तेरा मन बड़ा उदास, तेरी आंखों में आंसू झलक रहे हैं, बोल क्या देखा तूने, क्या खबर लेके आए? तभी वो गुप्तचर कहता है हे भगवान
कहता हो तो कहा ना जाता और बिन कहे राह भी न जाता। ऐसी क्या बात है जो तुझसे कही नहीं जा रही है और रहा भी नहीं जा रहा। हाँ भगवान बोल, मैं अयोध्या का राजा हूं और तुम यदि मुझसे हकीकत न कहोगे तो मैं उसका न्याय कैसे करूंगा, उसका समाधान कैसे होगा। बोलो निसंकोच होकर के बोलो कि हाथ जोड़ विनती करो सुनो श्री सो सुन पाई का हमारी अवध की जनता। हाँ हाँ प्रभु, मैंने आज तक न सुना न देखा। क्या देखा तूने बोल। दो कर जोरू हाथ संतरी कहन लग्यो बानी। हे भगवान कही नहीं जाई डर के रो नैनन से पानी मुपे के कही नहीं जाई डर के रो नैनन से पानी। भैया साफ साफ मुझे बताओ क्या देखा और क्या सुना। अजी नाम जाने कैसी अब होगी कैसी अब होगी मेरी आंख ने देखी बात मारे रो धोबी धोबी मेरी आंख ने देखी बात मारे रो धोबी धोबी। हाँ वो धोबी अपनी पत्नी को क्यों मार रहा था भैया। हे भगवान ध्यान दे कृष्ण। अरे हाथ जग लागी रहो लट्ठा अरे हाथ जग लागी रहो लट्ठा अभी लेके सिया को नाम तुम्हारो कर लो अठन्ना अरे लेके सिया को नाम तुम्हारो कर लो अठन्ना। आई शर्म जखुने के नहीं आई अरे शर्म जाए मैं के नहीं आई अरे कसकंदर ने सीता राखी लीनी अपनाई हरे दशकंदर ने सीता राखी लीनी अपनाई। इस तरह को कह करके आपका नाम और माता सीता का लेकर के अपनी पत्नी को धिक्कारता है और कहता है कि देख मैं तो राम नहीं हूं अरे काट लो नाक तेरे काने अरे काट लो नाक तेरे काने सब जगत के कुछ नाई नाम सो मोई मती जाने सब जगत के कुछ नाई नाम सो मोई मती जाने। इस तरह राजन परिषद में गुप्तचर की बात भगवान राम ने सुना और उस गुप्तचर ने कहा प्रभु इस तरह अपनी पत्नी को उसने निर्मम होकर के घर से बाहर निकाल दिया। यह बात सुनकर के राम को एकदम से ध्यान आया
और कहा कि वो मन मन बोले हैं कि धोबी ठीक कहता है। हे राजन परिषद, मंत्री से कह दिया भैया तुम जाओ अब अपना कार्य कीजिए। उसी क्षण वह माता सीता के कक्ष में जाने को राम तैयार हुए। रात्रि का समय है, भगवान सोच रहे हैं, निर्दोष सीता है मगर विधि की लिखी तकदीर है, निज भवन में जाकर सीता सुखे रघुवीर है। हे राजन परिषद, जब भगवान कच्छ में पहुंचे, सीता जी ने जैसे ही देखा स्वामी को, उठ करके खड़ी हुई और हाथ जोड़ के कहा, हे नाथ, इस वक्त भला मेरे पास आए हो, क्या कारण है? भगवान श्री राम को, भगवान श्री राम को निहार के सीता जी, वो जगत माता और समझ गई है